एक्सेल शीट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल लोकसभा के सेकंड फेज के चुनाव जो है जम्मू रियासी सीट के लिए यहां पर होने जा रहे हैं, और आपको बता देंगे कड़ा मुकाबला जो है यहां पर हमें देखने को मिलेगा। वोटर्स की पर्टिकुलर बात करें तो वोटिंग कास्ट करना, वोट कास्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, हमारी ड्यूटी भी बनती है, और वोटर्स ही जो है तय करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बनेगी। वोट की बहुत वैल्यू है और हमें अपने वोट का जो है इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लगभग 18 लाख के करीब जो है कल वोटर्स जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल सही करेंगे तो आने वाले समय में हमें यहां पर जो है अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे वोटर्स जो है कितने जागरूक हैं अपनी ड्यूटी को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। जी, ये तो आजकल हम स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं कि वोटिंग जो है एक स्टूडेंट का, एक एक इंडिविजुअल का, जो भी नेशनल है किसी भी स्टेट का, उसके लिए वोटिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। बिकॉज वोटिंग के थ्रू ही आप ये डिसाइड करते हैं कि हु इज़ गोइंग टू रूल यू। अब कल जो है सेकंड फेज के इलेक्शंस है, और मैं इतना तो जानता हूँ, जैसा अभी न्यूज़पेपर्स पे आया है काफ़ी परसेंटेज वगैरह जो शो हुई है लास्ट फेज इलेक्शन की, तो उसमें हमें ये पता चला है कि इलेक्शन परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जम्मू बीइंग अर्बन एरिया, यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करें और डिसाइड करें कि कौन सी गवर्नमेंट को वो चूज़ करेंगे अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव। उसके लिए उनको इलेक्शंस में आना पड़ेगा। चल बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो पोलिंग बूथ्स पर जाएं, अपना वोट कास्ट करें, ताकि ये डिसाइड हो पाए कि वो क्या चाहते हैं, उनको कौन सी गवर्नमेंट चाहिए और क्या चीज़ उनके बेटरमेंट के लिए है, वो ये सब डिसाइड कर पाए। अपकमिंग गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें आपको? देखिए, अपकमिंग गवर्नमेंट से तो मुझे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैं एक यूथ हूँ तो मैं तो सबसे पहले ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। दूसरा, अभी जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर ड्रग एडिक्शन में ऑलमोस्ट इट हैज़ क्रॉस्ड पंजाब, तो ड्रग एडिक्शन को लेकर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट करने चाहिए। हम नार्को टेररिज्म के बारे में सुनते हैं, हम ये सुनते हैं कि अब ये जो टेररिज्म है ये सिर्फ अटैक्स तक सीमित नहीं रह गया, अब ये ड्रग्स के थ्रू भी हो रहा है। तो सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट आए वो इस चीज़ को लेकर भी जो है इनिशिएटिव्स ले, वो कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगी। और दूसरा, ये जो रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बेटरमेंट हो, ताकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी कुछ राइट्स मिल सके, क्योंकि उनको भी आगे लाइफ में सस्टेन करना है, तो उनके लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेल होनी चाहिए। जी, मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, इसी साल मेरा वोटर आई डी कार्ड बना है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें बहुत ही एक्टिव रहता हूँ। जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है देश में या फिर विदेश में क्या चल रहा है। तो इस बेसिस में मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँगा कि मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूथ से, क्योंकि मैं ओल्ड जनरेशन से रिक्वेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो हमारी बात समझते नहीं है। बट मेरे को ये दिखता है कि हमारा यूथ इस टाइम पे बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि यूथ हमारा आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकली अवेयर हो रहा है कि कंट्री में किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रेजेंटली पॉलिटिक्स हमारा सारा रिलीजन बेस्ड हो चुका है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी किसी रिलीजन के लिए बोलती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी रिलीजन के लिए। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो वोट है जो हमारा, वो एक राइट नहीं रहा है, वो एक ड्यूटी रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए अगले 5 साल के नहीं बट अगले 10-20-30 साल का हमारा देश का फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा यूथ जो है मैनिफेस्टोज जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मैनिफेस्टोज अच्छी तरह पढ़ के जाएं कि क्या क्या प्रोमिसज किए गए हैं, और हम गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाएं कि वो जो प्रोमिसज आपने किए हैं वो जल्दी से जल्दी फुलफिल किए जाएं। एक एक वोट की बात करें तो एक एक वोट कितना कीमती होता है? जी, मैं तो मानता हूँ कि वोट सबके ही कीमती होते हैं, बट हमारे देश में ये स्टार्टिंग से आइडियोलॉजी रही है कि वोट जो है किसी काम का नहीं है, या फिर लोग सोचते हैं कि अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो नोटा की तरफ वोट दे देते हैं, जिसका कोई मायना होता ही नहीं है वहाँ पे। तो हमको हमारा वोट जो है वो फ्यूचर डिसाइड करता है हमारे देश का। तो मैं तो मानता हूँ कि वोट देना बहुत जरूरी है, एज अ राइट नहीं बट एज अ ड्यूटी। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम रोहन शर्मा है। तो रोहन जी, जिस तरह से कल चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरह से जो है अपने मत का आप इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली बात तो कि एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमें वोट ज़रूर करना चाहिए, मतदान ज़रूर करना चाहिए, और हमेशा वोट फॉर द नेशन के लिए वोट करना चाहिए, और हमें ऐसी जगह वोट करना चाहिए जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे देश को एक आगे बढ़ाए, हमारे देश को टॉप पर लेकर जाए। हमें ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे पार्टी को वोट करना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए
और इस जो ये महायज्ञ है लोकतंत्र का, इसमें हमें वोट देकर मतदान देकर आहुति जरूर देनी चाहिए, मेरा ये कहना है। और सारी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट जरूर करें, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वोट जरूर करें और राष्ट्र हित में मतदान जरूर करें। नहीं नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें वोट जरूर करना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम मतलब 18 प्लस हुआ था तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी थी यार वोट डालना है, क्योंकि हम लोग सरकार चुन के लाते हैं और वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि प्लीज वोट डालने कल 26 अप्रैल को जरूर जाएं। कोई भी घर में ये ना सोचे कि यार छुट्टी है तो छुट्टी मना लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे एक वोट से। देखिए एक एक वोट करके, जैसे एक एक बूंद जो है ना वो समुद्र भरती है, तो वैसे ही हमें अपना जो वोट है वो अपनी सरकार को चुनने के लिए हमें देना चाहिए, ताकि हमारा देश और मजबूत बने। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम वोट करेंगे तो कल को हमारे लिए हमारे लिए बेनिफिट होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनेगा, हमारे लिए नौकरियां आएंगी, हमारे लिए जितने भी और अच्छे अच्छे प्रावधान है वो हमारे लिए, ये सब सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध होंगी। तो प्लीज घर में कोई भी सोया ना रहे, ये छुट्टी को ऐसे मतलब वेस्ट ना करे, घर से निकलिए और वोट करिए। और सबसे जरूरी बात जो है, जो लोग जिनका मतलब जो पहली दफा वोट करने जा रहे हैं तो उनको एक अंदर से खुशी होनी चाहिए और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि यार हमें वोट करना ही चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए। 17,80,835 वोटर्स जो है कल अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से कुछ फ्रेशर्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वोट कास्ट करने जा रहे हैं। हर कोई जो है एक्साइटेड है और हर किसी को एक्साइटेड भी होना चाहिए अपने वोट का इस्तेमाल करना। अगर आप वोट का इस्तेमाल सही करेंगे तो आने वाले समय में जो है आपको सही गवर्नमेंट मिलेगी और आप गवर्नमेंट से जो है क्वेश्चन भी जो है पुट अप कर सकते हैं कि वो आपके कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वोट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई हक नहीं बनता कि आप जो है गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन करें। इसलिए कल आपका दिन है, वोटर्स का दिन है और वोटर्स ही डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनेगी। फिलहाल हम सबको अपने अपने मत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी आग्रह के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।